हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक पोस्ट किया गया है धीलन सर की तरफ से बैक ऑफिस में, उनमें क्या बताया गया है वो आपको बातचीत करेंगे उसके ऊपर। एंड इसके अलावा आज थर्सडे है तो अभी तक तो ऑन पैसिव 360 का कोई पोस्ट भी नहीं देख रहा हो, लेकिन हाँ उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे और भी जो बातें होंगे। ठीक है, आपको सब कुछ एक एक करके पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाले, कब क्या होने वाले जो भी जानना चाहोगे आप इस वीडियो से जान पाओगे। हर एक चीज़ का अपडेट जैसे आपको इसी चैनल से मिलता है, हमेशा मिल रहा है, वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जानते ही होंगे आज है वेडनेसडे, तो ऑन पैसिव 360 कब होता है देखते हैं। हो सकता है वेडनेसडे हो जाए, हो सकता है थर्सडे हो जाए। ठीक है, टाइम भी एक जो पहले था वो बदल चुका था, वो पहले रात में होता था फिर दोपहर में होने लगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, अपडेट आएंगे तो ज़रूर बताएंगे आप सबको। अभी बात कर लेते हैं ऑन धीलन सर के पोस्ट के लिए। तो उन्होंने ये बोल रहा है कि अटेंशन प्लीज, इन ऑन पैसिव एनी अपडेट और इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू इज ओनली थ्रू आवर CEO मिस्टर एसमोफरे। ऑन पैसिव में अगर कोई अपडेट हो या इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपके तरफ देना है, आपके साथ पहुंचना है, तो वो एक ही लोग दे सकते हैं, वो है ऑन पैसिव एसमोफरे सर। एनी फाउंडर्स प्रिटेंडिंग टू हैव एनी सो कॉल्ड इनसाइट इन्फॉर्मेशन इज टोटली फेक एंड मिसलीडिंग। अगर कोई फाउंडर ऐसे कर रहा है, मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि उसके पास अंदर की कोई खबर है कंपनी के अंदर या ऑफिस के अंदर कि क्या चल रहा है, उसके पास अपडेट है, तो वो एकदम ही गलत है एवं आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है, आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है। समझ आया? इसके बाद बोल रहा है इट्स जस्ट टू इम्प्रेस यू। ये इसका एक ही रीज़न है, वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है। ठीक है, आपको आपको खुश करना चाहता है। डू नॉट बिलीव देम, उन लोगों के ऊपर विश्वास मत करना। ऑन पैसिव इज बिल्डिंग योर फ्यूचर। ऑन पैसिव आपका फ्यूचर जो है, भविष्य वो बना रहा है। कीप काम, शांत रहिए एंड फोकस, डू नॉट स्पेक्यूलेट। शांत रहिए, आपके खुद का काम कीजिए एंड गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाए। योर सक्सेस इज सिक्योर्ड विद ऑन पैसिव। आपका जो सक्सेस है वो ऑन पैसिव के साथ सिक्योर्ड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोगों को यहाँ से जानना चाहिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास सच में कोई अपडेट नहीं होता, लेकिन वो बना के बोलते हैं। ठीक है, बना के बोलते हैं। देखो, मैंने कल वीडियो नहीं पोस्ट किया, उसके पिछले दिन भी शायद नहीं वीडियो पोस्ट, तो अपडेट नहीं होंगे तो नहीं पोस्ट करूंगा, सिंपल बात है ना। अगर कुछ अपडेट होंगे, कुछ बताने की लायक चीज़ होंगे, ज़रूर आपके बताने के लिए आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, आप लोग देख पाओगे एंड उसका आपका थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, मैं वीडियो क्या बनाऊँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मान लो अपडेट्स नहीं है विद्यल के लिए एंड आप लोग तो पूछते रहते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि विद्यल रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है या ट्रैफिक रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। अगर अभी मैं विद्यल लिख कर या ट्रैफिक लिख कर अगर वीडियो डालता हूँ तो बहुत लोग देखेंगे, तो उसको हम मिसलीड कहेंगे। ठीक है, कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन मैं खुद की तरफ से खुद से ये अगर बता रहा हूँ तो ये गलत होंगे। ऐसे भी है अभी। और एक लास्ट आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत लोग कॉल करते हैं, मैसेज भी करते हैं एंड पूछते हैं सर विद्यल की इस महीने में आ जाएगा, ये ऐसे भी पूछते हैं कि सर ट्रैफिक की इसी महीने आ जाएगा, या अगर महीने ख़त्म होने जा रहा है तो पूछते हैं कि नेक्स्ट महीने तक आ जाएंगे। अभी देखो, मेरे पास क्या, किसी के पास इसका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि विद्यल इसी महीने आएंगे या नेक्स्ट महीने तक आ जाएंगे। 100% कन्फर्म कोई नहीं कह सकता। क्या बोला? 100% कन्फर्म्ड कोई नहीं कह सकता। तो मैं आपको कैसे कह दूँ,
ये बात सच है ये गलत है। तो वो ही बात धीलन सर ने पोस्ट किया कि किसी के पास कोई अपडेट नहीं होता एंड अगर आपको अपडेट कर रहा है, आपको अगर बोल रहा है कि हाँ इसी महीने वो इधर आ जाएगा, इसी महीने ट्रैफिक आ जाएगा, इसी महीने वो करंट का ये हो जाएगा, पैकेज आ जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसका मतलब वो आपको खुश करना चाहते हैं, वो दिखा रहा है उसके पास अपडेट है, बहुत कुछ है वो जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही चीज़ धीलन सर बोलने की कोशिश कर रहे थे उसके पोस्ट पे। अभी ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए है, लीडर्स लोगों के लिए भी है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स है जो नाम कमाने के लिए, जो उसका पहचान या बोलो मतलब उनके सामने, उसके नीचे जो फाउंडर्स वगैरह उनके सामने खुद का एक इमेज बनाने के लिए ऐसे शेयर भी करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे नहीं कि एकदम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत है, हाँ ये लोग भी है, ऐसे तरीके के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, तो आपको उन सबसे सावधान रहना है। ठीक है, उन सबसे सावधान रहना। अच्छा, और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आज जो कह रहा था कि आज वेडनेसडे है, ऑन पैसिव 360 का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैंने क्या बोला, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वजह तक अभी तक कोई हमारे पास कोई अपडेट्स नहीं है कि ऑन पैसिव 360 कब होंगे, कौन से टाइम पे होंगे, टाइम पहले जैसे टाइम पे होंगे या दूसरे टाइम पे होंगे, ये कोई अपडेट नहीं है। तो जब भी अपडेट आएंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपके पास अपडेट पहुँच जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको और एक बात कहना चाहूँगा कि अभी ऑन पैसिव 360 का जो हमारा इनविटेशन है वो हमेशा एसआर की तरफ पास जाते हैं, आज भी गए होंगे एंड जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, अगर उसके पास वक्त रहेगा तो वो ज़रूर विजिट करने या मीटिंग करने में आएंगे, मुझे लगता है तो आना चाहिए क्योंकि ईद का फेस्टिवल आ चुका है एंड वो ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए एंड कुछ थोड़ा बहुत खुशखबर देने के लिए मुझे लगता है वो ज़रूर आएंगे, ये मेरा मानना है। अभी एसआर के टाइम के ऊपर ये डिपेंडेंट है क्योंकि जो टाइम पे मीटिंग होता है उस टाइम पे अगर एसर फ्री रहे थे, कोई मीटिंग वगैरह उनका नहीं रहता तो वो आएंगे। इसके अलावा अगर वो मन चाहा कि ना मुझे कुछ मीट करना है या मुझे कुछ बताना है, कोई भी चीज़ हो ऐसे, तो वो ज़रूर आएंगे क्योंकि उनके पास वो सिस्टम है, वो आने के लिए ऑन पैसे 360 का वेट नहीं करेगा, वो उसका मीटिंग पे आ जाएगा या खुद मीटिंग क्रिएट कर सकता है या हो सकता है कि वो पॉपअप डाल दे, तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है। इसके अलावा और एक बात कहना चाहूँगा कि फेक अकाउंट से बच जाइए, फेक अकाउंट बहुत सारा है, एसआर के नाम पे भी फेक अकाउंट चल रहा है, यानी उनकी तरफ से पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगा अगर आप विश्वास मान लेंगे तो। तो एक बात ध्यान रखना, एसआर का कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट नहीं है, ट्विटर भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को अपडेट अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए ऑन पैसिव 360 के लिए, वेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।